रायबरेली में शहर की विभिन्न सड़कों का हाल बदहाल है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इसी के साथ राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ देखने को मिला, आप भी देखिए। रायबरेली जिला का नाम हमेशा चर्चा में रहा है, वो चाहे राजनीतिक मामलों में हो या विकास के मामलों में, लेकिन जो वर्तमान में विकास कार्य हैं उनकी हकीकत कुछ दूसरी है। आज हम बात करेंगे रायबरेली शहर जेल रोड की, बात करेंगे हम जेल रोड को, आपको उसके बारे में बताएंगे किस तरह की ये सड़क है, सड़क कितनी अच्छी है या ख़राब वो आकलन करना आपका काम है और सरकारी तंत्र का काम है, सरकार का काम है। मीडिया में होने के नाते इस सड़क के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ये सड़क कितनी फिलहाल वर्तमान में ख़राब है। इस सड़क करीब ये 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है और शहर का ये सबसे व्यस्तम इलाका है। यहाँ से हजारों वाहन, छोटे बड़े साइकिलें सब गुजरती रहती हैं। ये बीते 1 सालों से इस सड़क के ऐसे ही हालात हैं। इसमें इतने गड्ढे हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं गिनने का प्रयास करूंगा कि इसमें गड्ढे कितने हैं। जितना संभव हो सकता है हम उसको गिनेंगे। तो कहां से शुरुआत करें, किसी को पहला नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी पहली गिनती शुरू करता हूं। 1, फिर आगे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 इसलिए रोक दिया कि 22 जो है अगले साल आ रहा है, अगले साल 2022 आ रहा है और उसमें चुनाव है। चुनाव बिल्कुल शुरुआत हो गई है, सभी पार्टियां विकास की चर्चा करती हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी बातें रखता है और उनके तमाम प्रकोष्ठ रोज आए दिन अपनी बात रखकर खूब विकास की चर्चा करते हैं। अधिकारी भी इसी रोड की गुजरते हैं और हर महीने यहाँ जेल जाते हैं इन्फेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लेकिन पता नहीं उनको ये दिखता है कि नहीं दिखता है। इस सड़क के जो हालात हैं वो पहले मैं बयां करूँगा और बाद में यहाँ के जो इस गुजर रहे हैं राहगीर उनसे बात करेंगे कि आखिर ये इतना आप सब कुछ सरकार के लिए आप करते हैं और सरकार ये कहती है और सरकारी तंत्र और ये सड़क बनाने वालों के जिस तरह से बनाया है, पता नहीं कौन सा इसमें सामग्री का प्रयोग किया है, कितने बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग आए दिन तो रोज़ हादसे छोटे मोटे हुआ करते हैं, लेकिन कई की जानें चली गई हैं। वो आंकड़े हो सकता है दर्ज हो या मिटा दिए गए हों, ये अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी दूर हम चल के आए हैं करीब 500 मीटर और ये आगे जाके करीब 1.5 किलोमीटर इधर है जेल से और 1.5 किलोमीटर उधर है। हालात इसके ऐसे ही हैं, ये लगभग बीते 1 साल से बहुत ही ख़राब है। हम जो राहगीर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, वो क्या इस बताते हैं इस सड़क के बारे में। ये सड़क से आए होंगे, कितनी अच्छी सड़क है कि ख़राब है? बहुत ख़राब है। नहीं, क्या ख़राब है इसमें? गड्ढे हैं बड़े बड़े। कितने होंगे? अरे बहुत गड्ढे, बिना गिनती के। ऑटो कब से चला रहे हैं आप? 5 साल। ये सड़क कब से ख़राब होगी आपके संज्ञान में? 2.5 साल से ख़राब है। तो कभी कभार कहते हैं आप लोग टैक्स देते हैं, इससे तमाम जोखिम रहता है, किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला है नहीं। कुल मिलाकर आपने यहाँ के जो राहगीर हैं उनकी बातें सुनी होंगी और जो सड़क है उसके हालात देखे होंगे। इसके अलावा जो सरकारी तंत्र है, जिम्मेदार है, उनसे भी बात होगी, लेकिन फिलहाल इस सड़क के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली।